तो ये है इसकी मेन एंट्री। यहाँ पर जो है सैनिटाइजर वगैरह पहले किया जाता है, उसके बाद में ही एंट्री मिलती है। आप देख सकते हैं सामने वाली साइड जो है इसकी एंट्री है। इस साइड आप शॉप्स वगैरह कोई गिफ्ट वगैरह लेना चाहें, सुवेनियर वगैरह लेना चाहें, तो ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर है रेस्टोरेंट। तो अगर आप वेज मील लेना चाहते हैं, लंच या डिनर या कुछ भी स्नैक्स वगैरह, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये इनका पूरा रेस्टोरेंट है। ये है मेन टिकट काउंटर जहाँ पर टिकट्स मिलते हैं। यहाँ पर बेसिकली तीन आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं और बाकी स्नो पार्क जो है वो अंदर है। अब आउटडोर एक्टिविटी में आप क्या कर सकते हो, यहाँ बोलिंग कर सकते हो, यहाँ पर आप जिपलाइन कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर इन्फ्लेटेबल भी कर सकते हो। तो अभी जानते हैं यहाँ पर क्या क्या प्राइजेज हैं किस चीज़ के और यहाँ पर क्या टाइमिंग है इसकी। तो सर आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चार्जेस हैं, क्या टाइमिंग है इसकी? जी सर, अब हमारी मेन एक्टिविटी है स्नो पार्क अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। उसका 45 मिनट का शो रहता है पूरा, और एडल्ट का चार्जेस रहता है 700 रुपीज़ और किड्स का रहता है 500 रुपीज़। अगर किड्स के हाइट अप टू 3 फीट से तो 500 रहेगा, उसके अराबो 3 फीट है तो 700 रुपीज़ रहता है। इसके अलावा साइड में आप देखेंगे तो इन्फ्लेटो ट्रेम्पोलिन पार्क अवेलेबल है जो जंप एच क्यू है यहाँ पे, उसका 30 मिनट का चार्जेस रहता है 200 रुपीज़, और 1 आवर अगर आप स्पेंड करते हैं तो 350 चार्जेस रहता है। उसके अलावा VR गेम्स अवेलेबल है, और VR 360 चेयर अवेलेबल है, और किड्स गेम अवेलेबल है। उसके अलावा ऊपर जीप लाइन एंड बॉलिंग अवेलेबल है। जीप लाइन का चार्जेस 200 रुपीज़ है, बॉलिंग का चार्जेस मंडे टू फ्राइडे 150 चार्जेस, और उसमें आपको मिलेगा 10 फ्रेम मिलेंगे और 1 फ्रेम 2 राउंड ईच। तो ये मंडे टू फ्राइडे है जी, और सैटरडे संडे बॉलिंग का चार्जेस 200 रुपीज़ रहेगा। बाकी जो एक्टिविटी है उससे 200 रुपीज़ है जी। जो अपना ये जिप लाइन वगैरह, जिप लाइन मंडे टू फ्राइडे मतलब ऑल डेज 200 रुपीज़ चार्जेस रहता है। तो अभी हम चलते हैं अंदर, और टिकट तो मेरे ब्रदर ने परचेज कर ली है, तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो भी एक्टिविटीज़ हैं, आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन सी कैसी एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ पर ये लॉकर बॉक्स बना हुआ है, आप देख सकते हो अगर आपका कोई सामान है तो यहाँ पर रख सकते हो। पहले हम जा रहे हैं स्नो पार्क में, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये एक तरीके से ड्रेसेस मिलती हैं 700 रुपये के अंदर, सैनिटाइज ड्रेस से, और आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है ड्रेस के लिए। जो आप 700 रुपये टिकट चाहे लेंगे उसी में आपको ड्रेस मिल जाएगी। 45 मिनट का शो है, और अभी न्यूली ओपन हुआ है तो थोड़ा सा रश कम है, लेकिन अगर आप आते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा क्राउड भी मिले। अभी न्यूली है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अभी इस टाइम पर भी आ सकते हैं। साइड में टॉयलेट बना हुआ है, तो फटाफट से मैं यहाँ पर ड्रेस चेंज कर लेता हूँ और आपसे मिलता हूँ अंदर स्नो पार्क में। तो फाइनली हम आ चुके हैं स्नो पार्क के अंदर। ये अभी मैं यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है उनसे पूछता हूँ कि यहाँ पर कितनी राइड्स हैं। हाँ जी, दो राइड्स हैं सर। दो राइड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये बच्चों के लिए ये राइड्स हैं? बच्चों के लिए राइड्स हैं। म्यूजिक सिस्टम है यहाँ पे, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम है, ठीक है। और ये पूरा एरिया है, आप देख सकते हो स्नो पार्क का सेल्फी पॉइंट है, ठीक है। सर पूरा होता है, और म्यूजिक सिस्टम भी है, राइड होती है कितनी मिनट लगती है, ठीक है। तो आप मुझे ले चलिए। हाँ चलिए। तो ये एक ब्रिज बना हुआ है, आप देख सकते हो सामने, एक राइड से दूसरी राइड पे जाने के लिए आप ये ब्रिज के थ्रू जा सकते हैं। तो इस राइड को क्या कहते हैं? ये स्लिम मतलब सिंगल साइड है, ओके। वो राउंड वाली है। अच्छा, वो राउंड वाली है। हाँ, और ये बिल्कुल डायरेक्ट सिंगल डायरेक्ट है, ठीक है। आपको करके देखना सर। जी हाँ जी जी जी, देखिए।
फोन किसको खींच रहा है पता नहीं लग रहा। एक रूम जब आप अपना एग्जिट करेंगे तो आपको अपना जो ड्रेस मिलेगी शूज वगैरह वो यहाँ पे आपको डिपॉजिट करना है अपना टोकन देके, और उसके बाद में आप यहाँ से लेफ्ट साइड से एग्जिट कर सकते हैं।